ये दीपक कल शाम से जल रहा है और अभी आधा दिन गुजर चुका है और जल ही रहा है। तो जी जल गए सारे दिए। अब मैं आपको कराती हूँ छोटा सा होम टूर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज है 5th of November और बज रहे हैं सुबह के 9। और ये देखिए तेज बारिश के बाद यहाँ का हाल, चारों तरफ कीचड़ 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 और कीचड़। कि इतनी साफ सफाई और चमक धमक के बाद अब देखिए घर का हाल। ये रहे मेरे नन्हे मुन्ने जो अभी तक सो रहे हैं। पीहू उठोगी बेटा? उठो, 9 बज गए बेटा। अलार्म बज रहा है कब से तुम्हारी क्लास का? गुड मॉर्निंग। क्लास है नहीं बट उठ जाओ। ये रही मेरी सुबह की पहली चाय। ये दीपक कल शाम से जल रहा है और अभी आधा दिन गुजर चुका है और जल ही रहा है। और मैंने सुबह से बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं की है क्योंकि मैं कर रही थी कल का व्लॉग एडिट। मैं सुबह 12 बजे बैठी थी और अब बज रहे हैं 2:30। अब जाके वो ख़त्म हुआ है क्योंकि हम लोग चाहते थे कि आज के आज वो व्लॉग आ जाए। व्लॉगिंग करना तो बहुत आसान है बट एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, ब्रिजेश अभी उसको थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। और दूसरा, अब मैं देख रही हूँ मूवी डिबक। पॉज है टीवी। ये थोड़ी सी हॉरर मूवी है, एंटिक पीस के ऊपर है। मुझे ज़्यादा स्टोरी मालूम नहीं है बट अभी मुझे टाइम मिला है क्योंकि अब से लेके शाम को दीपक जलाने तक कोई काम नहीं है मेरे पास। ट्यूशन का भी ऑफ है, ट्यूशन रिज्यूम होंगी मंडे को, तो फ़ायदा उठा रही हूँ। सोने से अच्छा है एक मूवी देख लेती हूँ। तो जी हो गई डुबुक ख़त्म। जो मूवी मैं देख रही थी उसका नाम था डुबुक। अच्छी मूवी थी, एटलीस्ट वंस यू कैन वॉच। ऐसे दिखा रहे थे हॉरर है, हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी लग रही थी। मैं हॉरर मूवीज़ देख नहीं पाती हूँ तो मैंने पीछे ब्रजेश को बिठा दिया था ताकि मैं डरूँ नहीं, बट ऐसी कोई डरावनी नहीं थी, ठीक ठाक थी। मतलब मेरी तरफ से रिव्यू है कि हाँ आप एक बार देख सकते हैं। तो अभी टाइम कितना हुआ वीरी का, ब्रजेश टाइम कितना हुआ है? तो अभी बज रहे हैं 6। थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करूं, रेडी हो जाऊं और शाम के दीपक लगाऊं, और उसके बाद मैं दूंगी आप लोगों को एक छोटा सा होम टूर। क्योंकि जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तब कल्पना ने कहा था कभी अपना घर दिखाओ, तो आज लग रहा है कि हाँ थोड़ा सजा धजा है, साफ सुथरा है, तो अब मैं दिखा सकती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ जी, तो मैंने चेंज कर लिया है और हो गई हूँ मैं तैयार एकदम सिंपल सी। तो मैं सबसे पहले जलाऊंगी अपने हार्ट के दिए, जहाँ पे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। 3 दिन यहाँ दिए जलते हैं तो सबसे पहले मैं वहाँ दिए जलाऊंगी। ये सबसे बड़ा वाला दिया जो है वो तो कल शाम से ही जल रहा है, 24 घंटे उसको होने वाले हैं। 7:30 बजे हमने जलाया था, अभी जल रहा है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें तेल और डालूंगी मैं, बाकियों की बात ही चेंज करके लगा देती हूँ। दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा, प्यार की सौगाते हूँ, तारों की बाराते हूँ, दूरी की नवाते हूँ, बस मुलाकाते हूँ, सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली आई रे। तो जी जल गए सारे दिए। अब मैं आपको कराती हूँ छोटा सा होम टूर। तो मैं शुरू कर रही हूँ अपने घर के एंट्रेंस से। ये है मेरे घर का एंट्रेंस और मेरा घर खत्म होता है वहाँ टिल एंड। फ्लैट नंबर 010। ये है हमारा लिविंग एरिया।
गेट के राइट हैंड साइड है फिश एक्वेरियम जो कि बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का जो पानी है इतना खारा है कि फिशेस ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह नहीं पाती हैं। ये है टीवी यूनिट जो बच्चों का फेवरेट है, 24/7 आपको बच्चे इसी के सामने मिलेंगे। इसी के साथ हम मुड़ते हैं, तो ये रहा मेरा मंदिर जो 3 दिन के लिए बना है, और हमारा एक्चुअल मंदिर अंदर है। इसी के साथ लगा हुआ है ये डाइनिंग एरिया जो ब्रिजेश का फेवरेट प्लेस है। ब्रिजेश हमेशा आपको यहीं मिलेंगे काम करते हुए। और इसके सीधे में आप देखेंगे किचन, ओपन किचन है। न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है, मेरे काम करने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट। और अगर हम यहाँ से खड़े होके देखते हैं तो ये है मेरी क्रॉकरी यूनिट। इस वक्त थोड़ी सी मैसी है, इसको इग्नोर करिए। इसी से लगा हुआ है मेरा बेडरूम, लाइट जला लूं। और ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर। मैं 24/7 जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं यहीं मिलती हूँ और कहीं नहीं। मैं सोती भी यहीं हूँ, खाती भी यहीं हूँ, मोस्टली मैं यहीं पाई जाती हूँ। ये मेरा वार्डरोब जो कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरा है, यहाँ मैं सजती हूँ और संवरती हूँ। दरवाजे के पीछे भी एक कबर्ड है जो कि वीर का है। और ये है हमारा वॉशरूम। चलते हैं हम वीरिका के रूम में। मेरे रूम से निकल के लेफ्ट हैंड साइड है वीरिका का रूम जो वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती है, ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। कभी कभार ब्रिजेश की मीटिंग होती है और बच्चे हल्ला करते हैं तो ब्रिजेश यहाँ आ जाते हैं अपनी मीटिंग करने के लिए। ये टीवी है जो कभी हमने चलाया ही नहीं है, लगाया था बच्चों के लिए कि चलो बच्चे अपने रूम में बैठेंगे अपना पढ़ेंगे लिखेंगे टीवी देखेंगे, बट नहीं। यहाँ लगे हैं वीरिका के पिक्चर्स। जब ये छोटी थी तब हम बहुत इसके फ़ोटो खिंचवाया करते थे, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए वो अभी भी शौकीन है। और वीर को बिल्कुल शौक नहीं है फ़ोटो खिंचवाने का, तो कैमरा देख के भाग जाता है। ये जो खिड़की है, इस खिड़की के पार आपको दिखेगा नीचे स्विमिंग पूल, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा। ये है बच्चों का और ये बड़ों का जो पिछले 2 साल बंद पड़ा हुआ है। इसी के बाजू से है ये हमारा रूम जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया, बट सबसे ज़्यादा काम इसी रूम में होता है। यहाँ वीरिका लेती है अपनी क्लासेस। ये जो वार्डरोब है ये ब्रिजेश का है, यहाँ मैं करती हूँ कपड़े प्रेस। ये रखे भी हैं ढेर कपड़े प्रेस करने के लिए। ये मेरी स्विंग मशीन है जिसमें मैं अपना बुटीक का काम करती हूँ, मेन ऑल्ट्रेशन का काम करती हूँ। और ये है हमारा मेन मंदिर जहाँ पे हम रोज़ पूजा करते हैं। इसी रूम से हम बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक और
कॉमन वॉशरूम है। और हमारे घर का ये लास्ट पोर्शन, ये है बालकनी और ये है यूटिलिटी एरिया। दोनों जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों में जाने का रास्ता एक ही है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा घर, घरौंदा, घोंसला, जो चाहे कह लीजिए, पसंद आया होगा। अब मुझे आ रही है पुलाव की बहुत तेज़ खुशबू, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे भूख भी लगी है और सुबह से आज मैंने खाया भी बहुत कुछ है। तो बस आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में। टिल देन, बाय।